मेरे साथ एक प्रोफेसर जुड़े हैं जो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राम लखन मीना जी। इनसे हम बात करेंगे सबसे पहले गुजरात चुनाव के बारे में। ये कल भरूच गए हुए थे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटूभाई वासवा से इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुलाकात में इनसे क्या बातें हुई गुजरात चुनाव को लेकर और सरकार बनाने के लेकर। आइए सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि छोटूभाई वासवा भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और फाइट करके खुद को स्टेबल किया। आज खुद को स्टेबल करने के बाद अपने पीछे कुछ लोगों को भी स्टेबल किया और लीडर भी बना रहे हैं, तो इस पे इनके क्या राय है और इन्होंने कल छोटूभाई वासवा से क्या मीटिंग की चुनाव गुजरात चुनाव को लेकर, आपकी क्या बात है? छोटूभाई वसावा जी आज की तारीख में भारत के सिरमौर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके आइकॉन हैं। छोटूभाई वसावा जी का जो संघर्ष है वो आदिवासियों के लिए एक विरासत की तरह है। उन्होंने आदिवासियों को पहचान तो दिलवाई दिलवाई है, उसके साथ साथ छोटूभाई वसावा जी आज के परिप्रेक्ष में देखा जाए तो संविधान की जो पाँचवीं और छठी अनुसूची है उसको कारगर तरीके से लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील है। और हम इसी सिलसिले में उनसे मिले थे कि गुजरात में अभी चुनाव हो रहे हैं और गुजरात चुनाव चूँकि प्रधानमंत्री का गृह स्टेट है, प्रधानमंत्री को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी खुद ओबीसी से आते हैं। और हमारी ही उनसे प्रार्थना थी कि छोटे बाबू वसावा जी जो भी प्लेटफॉर्म पे जाए भारतीय संविधान की जो पांचवी और छठी अनुसूची है उसको लागू करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबलों के ओबीसी मूल निवासियों के हित में काम कर रहा है। उसमें शरद यादव गुट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उसी हैसियत से हम उनसे मिले थे कि गुजरात इलेक्शन में आप अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करें और जो आपकी जो पार्टीज है जिनसे आपके कोलेशन होने की संभावनाएँ हैं उन पार्टियों के सामने आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का जो बेस्ट से बेस्ट जो इंटरेस्ट हो सकता है उसके बारे में आप बात करें और उनसे हमें बहुत उम्मीद है। तो चलिए, ये तो गुजरात चुनाव के बारे में इनसे चर्चा हो रही थी, अब इनके यूनिवर्सिटी पे हम लोग आते हैं। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और ये गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो कुछ इनकी बीसी से आपसी लड़ाई होगी जिसको लेकर ये फाइट करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये एक यही प्रोफेसर ये नहीं है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ओबीसी, ट्राइबल माइनॉरिटी, एससी एसटी प्रोफेसर हो गए या स्टूडेंट हो गए उनके साथ शोषण होता है, तो वजह क्या है कि ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ फाइट क्यों नहीं करते, सब अकेले अकेले फाइट क्यों करते? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये जो क्वेश्चन है ये मूल रूप से जो है ये भारत में जो दो तरह की जो विचारधाराएं हैं, एक शोषण की विचारधारा और एक शोषण से बाहर निकलने की विचारधारा, उसका टकराव है, विचारधाराओं का टकराव है। मूल रूप से देखा जाए तो ये आपने जो क्वेश्चन किया ये किसी वर्ग विशेष का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले चार सालों से करप्शन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हमने प्रेसिडेंट से लेकर के प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, CVC, CBI, ACB, लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन सबको लिखा और लगभग दो साल हो गए लिखे। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे चाहते हैं तो फिर वो कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो दो तरह का रवैया है, वो अपने लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दूसरे तरीके का काम कर रहे हैं और जो लोग दूसरे तरीके से दूसरे वो उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भ्रष्टाचार में हैं या नहीं है उन पे वो आगे जाकर के कार्रवाई करें। देखिए प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी विशेष के या दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनको भ्रष्टाचार पे अगर लाइन लेनी है तो सीधी लाइन लेनी है। जहाँ तक मैं यूनिवर्सिटीज़ के करप्शन की जो बात है, यूनिवर्सिटीज़ का करप्शन है इस सरकार के आने के बाद बहुत बड़ा, ना केवल फाइनेंशियल करप्शन बल्कि वित्तीय करप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ, मेरा कोई हमारा जो वाइस चांसलर है उससे व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं है। मेरा जो टकराव है वो एक दलित स्कॉलर को लेकर के, और दलित स्कॉलर भी ने भी उससे उसके गाइड ने जो रिश्वत के पैसे मांगे 10,000 रुपये महीने के उसको लेकर के उसने मेरे पास शिकायत की। मैं DSW था, DSW होने के नाते मैंने उनसे जाके बात की और बात की तो मैंने वाइस चांसलर के सामने रखा तो वाइस चांसलर ने मुझसे उसके कमेंट्स मांगे, कमेंट्स मैंने उसमें दिए तो वाइस चांसलर ने फिर उसके प्रूफ मांगे, मैंने 60 पेज के प्रूफ दिए दलित स्कॉलर से के साथ जो जातियाँ हो रही थी उसके बारे में,
जो उससे करप्शन के जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके बारे में। अल्टीमेटली उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, उसने FIR करवाया। FIR में उसमें वाइस चांसलर सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR करवाया, जो कि FIR अभी भी लोकल थाने में दर्ज है। बात जहां तक आई तो उन्होंने उस स्कॉलर ने जाके हाईकोर्ट में केस कर दिया। हाईकोर्ट में जो केस किया था उसमें मुझे भी पार्टी बनाया। मैंने वाइस चांसलर से कहा जी आप चूंकि आप FIR में भी हैं, मैं FIR में नहीं हूं, इसलिए मैं अपना अलग वर्जन देना चाहता हूं। वाइस चांसलर ने मुझे वर्जन नहीं देने दिया। मैंने चांसलर को कहा, चांसलर ने मुझे वर्जन नहीं देने दिया। मैंने MHRD को कहा, MHRD ने मुझे वर्जन नहीं देने दिया। इसका मतलब क्या है कि जो दलित और आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ जो पूरा का पूरा जो क्राइम जो चल रहा है, पूरा का पूरा जो अपराध चल रहा है, वो एक सुनियोजित अपराध है। और इसका जो एपिक सेंटर है वो प्रधानमंत्री कार्यालय और RSS का नागपुर और झंडेवाला दिल्ली का कार्यालय। ये लोग, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। OBCs को ये केवल वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, आदिवासियों को केवल वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, SC को लिए केवल वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। रोहित भाई मुला का केस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, वाइस चांसलर के खिलाफ FIR है। वाइस चांसलर को हटाने के बजाय प्रधानमंत्री जी ने एक सार्वजनिक प्रोग्राम किया और वाइस चांसलर को पुरस्कृत किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं दलितों से कुछ मत कहिए, मुझे गोली मार दीजिए। कि दोहरा रवैया कब तक चलेगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री की जो छवि है वो दिनों दिन वैसी नहीं है जो पहले थी, और उसमें निरंतर गिरावा आ रहा है। इतनी सारी घटनाएं हो रही है, आपने स्टूडेंट के लिए फाइट किया जिसकी सजा आपको मिली, और ये एक आप ही एक प्रोफेसर नहीं है, और भी प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ काम कि सारे प्रोफेसर और तरह के तबके के लोग, समाज के लोग, स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ उठाए और फाइट करें? देखिए, भारत की जो न्याय प्रणाली है उस पर हम सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए। मुझे उस पर विशेष रूप से विश्वास है, क्योंकि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार के आधार पर चल रही है। जहाँ तक न्याय मिलने का है, भारत की जो न्याय प्रणाली के बारे में है कि वहाँ देर है, अंधेर नहीं है, प्रोसेस लेंदी हो सकता है, पर न्याय जरूर मिलता है। जहाँ तक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की जो बात है, कई यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के करप्शन के खिलाफ कई सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स सब लड़ रहे हैं, पर सरकार की शिथिलता के कारण, सरकार की निष्क्रियता के कारण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके लिए मैं उच्च जो हायर जो अथॉरिटीज है उसको उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ। आपने प्रोफेसर राम लखन मीना जी को सुना, ये अपने यूनिवर्सिटी के VC से सीधे फाइट कर रहे हैं, और वो भी अब एक स्टूडेंट के लिए, एक दलित स्टूडेंट के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, करप्शन पे आवाज़ उठाया था, जिसकी सज़ा इन्हें उस यूनिवर्सिटी से निष्कासित करके मिली, लेकिन उसके बाद भी ये फाइट कर रहे हैं। चंद हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो स्टूडेंटों के साथ खड़े होते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टूडेंटों में और कुछ वैसे प्रोफेसर और सोसाइटी के लोगों में ही कुछ कमियाँ होती है, जो हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते और वैसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ खड़े नहीं होते ताकि इनकी आवाज़ दूर तक सुनी जाए और जानी जाए। द क्रिटिकल मिनट से मैं नूरुल होता कैमरामैन केपी के द्वारा।